उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर के मीरापुर के एक स्कूल ने एक बच्चे का नाम महज इसलिए काट दिया क्योंकि उस बच्चे ने क्लासरूम के अंदर पॉटी कर दी थी। बच्चे की उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल होगी। आरोप है कि बच्चे के परिजन जब इस मामले को लेकर प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे तो प्रिंसिपल ने मिलने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती उसके पिता पर पॉटी साफ करने का दबाव बनाने लगे। अब बच्चे के पिता इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं और स्कूल को दिए गए फीस को वापस मांग रहे हैं। ये मेरे बच्चे ने क्लास में लैटिन कर दी थी तो स्कूल से फ़ोन गया कि भैया आपके बच्चे ने लैटिन कर दी, इसको ले जाओ। तो मैं ले गया इसको, तो तब ले जाने पे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। 4 बजे इन्होंने मेरे पास लेटर भेजा कि आपके बच्चे का नाम पृथक कर दिया गया है। तो हमने इनसे पूछा भाई नाम को पृथक कर दिया गया, क्यों कर देगा, ये सफाई हम थोड़ी करेंगे। कहने लगा आपको सफाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप ही करके जाओगे अगर ऐसा। कितने साल का बच्चा है आपका? ये 5 साल का है जी। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में है जी। तो क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहेंगे जी भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि किसी का भी नाम ना कटे। तो हम तो ये चाहेंगे जी इसमें जो है सबको वो मिलना चाहिए। एक ये तो संस्था है, यह सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है। कहाँ पे? मीरापुर। तो इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट से बात की आपकी? नहीं, हमने नहीं की जी। हमने तो प्रिंसिपल साहब से की थी तो प्रिंसिपल बात ही नहीं करने को तैयार। दो बार आ ली। मैनेजमेंट से कोई बात नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। मैनेजमेंट को क्या जाने, हम तो प्रिंसिपल साहब को ही तो जानेंगे। प्रिंसिपल साहब कहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे जी ये बच्चा या तो TC दें, जो हमने फीस जमा कर रखी है उसको फीस वापसी करें। तो स्कूल में कोच करना नाम काटने का सबसे बड़ा कारण? हाँ, सबसे बड़ा कारण है ये। मतलब ये है कि स्कूल में जो है इसका नाम काट दिया गया सोच करने के कारण। ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चा छोटा बड़ा कुछ भी हो, किसी का भी बच्चा कर सकता है जी। मतलब पेट खराब है। वहीं मीरापुर खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल के हेडमास्टर को नोटिस भेजने के साथ साथ स्कूल प्रवेश रजिस्टर और मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल के हेडमास्टर पर इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है। मीरापुर में प्रकाशपति प्रेमचंद सरस्वती विद्या मंदिर का एक मामला प्रकाश में आया है जहां पे छोटे बच्चे को शौच करने पे जानकारी मिली है कि हेड टीचर ने उसका नाम काट दिया या उसको धमकी दी है, और प्रकरण संज्ञान में आने पर और इसको नोटिस दिया गया है, 3 दिन का समय दिया गया है। और ये कल एक्चुअली आज शाम तक की समय सीमा है क्योंकि आज छुट्टी हो गई अवकाश है स्कूलों का, तो कल इसको वेट किया जाएगा। और उनका वर्जन जैसे स्कूल का मिलता है तो अगर इनकी गलती सामने आती है तो 100% कार्रवाई की जाएगी। इसका हमने SR भी मंगाया है, प्रवेश रजिस्टर भी मंगाया है, और वास्तव में नाम काटा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की चीजें नहीं किसी को भी की जाने की इजाजत नहीं दी जाती, इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको मैंने उच्च अधिकारियों की संज्ञान में भी डाल दिया है प्रकरण को, और कल तक इसको लिखा दीजिए, फिर निश्चित रूप से बाल अधिकार के तहत जो कार्रवाई हो सकती है वो सब की जाएगी। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, UP तक।